दोनों किन्नरों की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। साथी किन्नर ने चार फर्जी किन्नरों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। धौलपुर जिले की सरमतरा थाना पुलिस ने 25 अगस्त की रात को दो किन्नरों की चाकुओं से गोदकर की हत्या का 48 घंटे में खुलासा किया है। मृतक किन्नरों के पांच साथियों ने लूटपाट की नीयत से वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने टीम गठित कर दो आरोपियों को यूपी के फिरोजाबाद जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डीडी सिंह ने बताया कि 25 अगस्त की रात्रि को सरमतरा कस्बे के साहनीपाड़ा मोहल्ला निवासी किन्नर राजकुमारी और गीता किन्नर की चुन्नी से गला दबाकर और चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या की थी। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है। अनुसंधान के दौरान मृतका किन्नर राजकुमारी और गीता के घर रात को दो और किन्नरों के आने की गुप्त सूचना मिली थी। पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट के सहयोग से लोकेशन खंगाली गई, जिसमें फिरोजाबाद जिले की परी यादव किन्नर उर्फ संजू यादव पुत्री जयप्रकाश 21 वर्ष और उसका सहयोगी फर्जी किन्नर सिमरन उर्फ आसू उर्फ आदित्य कुमार पुत्र सुखवीर 22 वर्ष निवासी निजामपुर जिला फिरोजाबाद का आना बताया गया। पुलिस ने टीम गठित कर फिरोजाबाद पुलिस के सहयोग से आरोपी परी किन्नर और नकली किन्नर सिमरन उर्फ आसू को गिरफ्तार किया है। घटना में तीन लोग और सहयोगी रहे हैं, जिनको चिन्हित कर लिया गया है। कुल पांच लोगों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों ने जेवरात और लाखों की नकदी लूटकर संगीन वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने में जुट गई है। शेष बचे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर रवाना कर दी। 24-25 की रात को सरमतरा में एक किन्नर रहती है राजकुमारी, उसके यहाँ पर सुबह जब हुई तो वहाँ पर उस राजकुमारी और उसके साथ जो एक रहती है गीता भाई, उन दो की डेड बॉडी मिली थी। उन दो की डेड बॉडी मिलने के पर हमारे अधिकारी गए वहाँ जांच की। जांच करने के बाद जब पता लगा कि भाई यहाँ पर दो लोग और आए हुए थे रात को संदिग्ध, उनके बारे में पता करवाया तो वो मिले नहीं वहाँ पर। नहीं मिले तो शक उनके ऊपर गया। उसके बाद हमने एक टीम बना करके उन लोगों के पीछे उसी दिन रात को रवाना किया था, जिन्होंने कड़ी मेहनत। और धौलपुर में 31 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। सोमवार को दो छात्रों के गुट आमने सामने हो गए और जमकर लात घूंसे और लाठियां चली। झगड़े में एक छात्र घायल भी हो गया। बाजार में आधा घंटा चले झगड़े के बाद पुलिस पहुंची, लेकिन जब तक छात्र फरार हो गए। मामला यूं है कि सोमवार को लाल बाजार चौराहे पर एक छात्रों का गुट था, तभी दूसरा छात्र गुट भी वहां पहुंच गया। चुनाव को लेकर दोनों छात्र गुटों में कुछ बातें हुई और उसके बाद दोनों गुट आमने सामने हो गए और देखते ही देखते दोनों गुटों में जमकर लात घूंसे और लाठियां चली, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। आधा घंटे चले इस संघर्ष में एक छात्र घायल हो गया और कई छात्र चोटिल भी हो गए। छात्रों ने बाजार को बनाया खड़े को देखकर मार्ग अवरुद्ध हो गया और लोग इस नजारे को देख रहे थे। काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक छात्र मौके से फरार हो गए। बाजार में हुए इस संघर्ष से चर्चा का विषय बना हुआ है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र गुट भिड़े हैं। इन दिनों कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव चल रहे हैं और कॉलेज में भी चुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है, मगर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई माहौल व्यवस्था नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण लाल बाजार में देखने को मिला। यहाँ पर काफी देर तक छात्रों में लात घुसे और लाठियां चली, मगर पुलिस काफी देर बाद पहुंची। शहर का व्यस्तम चौराहा लाल बाजार में छात्रों के दो गुटों में काफी देर तक लात घुसे और लाठियां चली, मगर ना तो समय पर पुलिस पहुंची और ना ही किसी आम नागरिक ने हस्तक्षेप किया। इन गुटों में करीब आधा घंटे तक मारपीट हुई। दुकान पर बैठे हुए थे, कॉलेज के दो गुट आए थे, उन्होंने मारपीट और लात घूंसे चल रहे थे। पुलिस प्रशासन आ नहीं पाया था, पुलिस प्रशासन आने से पहले ही वो लोग चले। क्या हुआ? अरे वो आए थे यहाँ तक कॉलेज के, वहाँ से लड़लुड़ू के आ रहे थे, यहाँ पर रुक गए। रुकने के बाद में कहते उन्होंने लड़ाई दंगा हो गया। लड़ाई दंगा होने के बाद उन्होंने मेरे पास वहाँ जो तिरपाल फिरपाल सब फार फूट दी और घोड़ा मुठाया था मेरे बगल वाले का, हरिओम का। और पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, वो चले गए जब पुलिस आई थी। क्या हुआ? ऐसा हुआ, मैं अपनी डाकखाने ड्यूटी कर रहा था, वहाँ फौरन लड़के आए थे, तो बहुत से सारे लड़के थे,
और मैंने उसे बचाया, उसने लात घूसा लाठी मारी, जो वहाँ पर चौकी पर गया था और वहाँ से पुलिस आ गई। चौकी में आए थे दो आदमी पुलिस वाले। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के सैरी क्षेत्र के मंडी गांव में एक विवाहिता की कुएं में गिर जाने से संदेहास्पद हालात में मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से सूखे कुएं से सबको बाहर निकाला और राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सब गृह में रखवाया, जहां मृतका के पीहर पक्ष के परिजनों के आने पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मृतका वीरम देवी के पिता वासुदेव निवासी नोनी थाना जगनेर उत्तर प्रदेश के तहरीर दी है कि उनकी पुत्री की शादी लगभग 14 वर्ष पूर्व मड़ी निवासी भोला के साथ हुई थी। रविवार देर रात्रि उन्हें सूचना मिली कि उनकी पुत्री की कुएं में गिरने से मौत हो गई है, जिस पर वह सोमवार को वहां पहुंचे और घटना की जानकारी ली तो पता चला कि अचानक कुएं में गिरने से वीरम देवी की मृत्यु हो गई है। पिता वासुदेव की तहरीर पर पुलिस ने मर्ग दर्ज प्रकरण की जाँच प्रारंभ कर दी है। ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, पिता ने ही की थी अपने दो मासूम व पत्नी की हत्या। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के गांव काकोर में 3 अगस्त को हुई महिला व दो मासूमों की हत्या किसी और ने नहीं की थी बल्कि मासूमों के पिता दशरथ कोहली ने ही की थी। यह खुलासा बसेड़ी थाना पुलिस ने किया है। हत्या का कारण शराब के अत्यधिक नशे में पड़ोसियों से हुए झगड़े का गुस्सा, पत्नी व बच्चों पर चाकू से मर्डर कर निकालना है। मामला यूं है कि 3 अगस्त को गाँव काकोर में बसेड़ी में चाकू से संदिग्ध स्थिति में 24 वर्षीय महिला रिंकी व उसके दो बच्चों 3 वर्षीय शिवन्या एवं 7 वर्षीय हिमांशु की हत्या हो गई थी और मासूमों का पिता दशरथ कोहली गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका उपचार जयपुर में चल रहा था, जिसकी तबीयत में सुधार आने पर पुलिस ने पूछताछ कर मामले का खुलासा कर दिया है। बसेड़ी थाना प्रभारी केवी निशांत ने बताया कि घटना के दिन दशरथ शराब के नशे में था। नशे में परिवारजन व पड़ोसियों को गाली गलौज करने लगा तो उन्होंने कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकाला तो पड़ोसियों को मारने पीछे भागने लगा। जब वे पकड़ में नहीं आए तो वापस घर आया व नशे में पड़ोसियों का गुस्सा अपनी पत्नी व दो बच्चों पर उतार दिया। पहले उसने चाकू से पत्नी की हत्या की, इस पर मासूम बिलखने लगे तो उनको भी गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी ने थोड़ी देर बाद अपना भी गला रेत लिया और गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने आरोपित दशरथ कोहली को गिरफ्तार कर लिया है। 3 और 4 के मध्य रात्रि अगस्त में अभी इसी जो महीना चल रहा है उसमें हमें रात्रि को समाचार मिला कि इस तरह की कोई घटना घट गई है, जिसमें अपनी पत्नी और दो बच्चों को हत्या कर दी है। इस सूचना पर हमें मौके पर पहुंचा था और इसके बाद सूचना की तहत की गई तो सही पाया गया और उसकी आरोपी दशरथ ने अपनी पत्नी रिंकी, पुत्री शिवांशी और पुत्र शिवांशी की हत्या की थी। ये दारू के नशे में धुत था और पड़ोसियों से झगड़ा हुआ था और जिसका उसकी पत्नी ने विरोध किया तो उसने इसने दारू के नशे में उन तीनों की हत्या कर दी और उसने भी अपने गर्दन काटने की कोशिश की, जिसका करीब 20 दिन SMS अस्पताल जयपुर में इलाज चला। इसके बाद तमाम प्रयत्नों और प्रयासों के बावजूद इसने अपना मौका लाया, ये बताया कि मैंने ही अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की है। रूडिप ने सीवर लाइन का गंदा पानी सड़कों पर फैलाया। नर्सरी रोड पर सड़क और कॉलोनियों में पानी भरने से दो बाड़ों के लोगों को हो रही परेशानी। धौलपुर में बारिश के दौरान शहर के प्रमुख इलाकों को जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए जहां बारिश के पानी को सीवरेज की पाइप लाइनों से निकाला जा रहा है, वहीं रूडिप कर्मी नर्सरी स्थित हुंडावाल रोड पर शहर के जल भराव को सीवरेज पाइपलाइन से जनरेटर द्वारा निकालकर सड़कों पर फैला दिया जा रहा है, जो लोगों के घरों से बाहर तक भर गया है।
घरों के बाहर सीवरेज का गंदा पानी भरने से आक्रोशित हुए लोगों ने इसका विरोध किया और कर्मियों को मौके से भगाया। लोगों का विरोध देख कर्मी जनरेटर और पाइप को मौके पर छोड़कर भाग गए। कर्मियों द्वारा सीवरेज मेन हॉल से जनरेटर द्वारा निकाला गया गंदा पानी सड़कों के साथ लोगों के घरों में भी भरने से लोगों को 3 दिनों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नर्सरी स्थित शनि मंदिर के पुजारी सुशील चौबे ने बताया कि कर्मियों द्वारा सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर फैलाने से करीब 8,000 से अधिक लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भी गंदे पानी से होकर आने में दिक्कतें आ रही हैं। कर्मियों द्वारा निकाला गया गंदा पानी नर्सरी रोड स्थित सड़क पर पूरी तरह से पसरा हुआ है। यहाँ पे जो है वो सीवर लाइन वगैरह छोड़ रहे हैं और इसका कहीं निकास तो है नहीं, तो यहीं भरा रहता है और तमाम जनता जो भी आती है उनको बहुत तकलीफ है। उसमें कई बच्चे वृद्ध अवस्था में लेडीज हैं वो सब गिरती रहती हैं इस पानी में। कितने दिनों से भरा है पानी? ये पानी भरा है कम से कम 15-20 दिन से भरा है। अच्छा, कुछ शिकायत वगैरह? हाँ, पानी की हमेशा हर बरसातों में जब जल भराव होता है, जैसे शनिदेव महाराज आने वाले जो वो श्रद्धालु परेशान होते हैं और सुबह शाम जो बच्चे निकलते हैं उनको भी परेशानी होती है स्कूल जाने के लिए आने जाने के लिए। यही एकमात्र रास्ता है इस तरफ से उसको सब रोड को जोड़ने के लिए, फिर भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। नर्सरी रोड स्थित शनिदेव मंदिर के पास सीवा लाइन टैंक में से पानी को बाहर निकाला जा रहा है, जिस पर कि किसी भी तरह का कोई कर्मचारी डिपार्टमेंट विभाग कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसमें आवागमन को आने जाने में दिक्कत हो रही है। यहां पर ये रोड सीधा पुलिस लाइन को अटैच करता है, फोर लाइन रोड है, सैफुल रोड जाने वाला रोड को अटैच करता है और इस रोड पर कम से कम 2.5-3 फुट पानी फैला हुआ डला है, जिस पर कि कोई कर्मचारी अभी तक किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया हुआ है और सीवर लाइन वाले अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधकर सो रहे हैं। इसमें पोस्ट रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर लौट रहे बाइक सवारों पर चढ़ी बैलरों। रजौरा खुर्द के पास नेशनल हाईवे 123 पर हुआ हादसा, 3 महिला 1 बालक सहित 6 जने घायल। सेपऊ थाना क्षेत्र के रजौरा खुर्द गांव के निकट नेशनल हाईवे 123 पर बेकाबू बैलरों चालक ने सड़क पर जा रहे अलग अलग 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 6 लोग घायल हो गए। सभी लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में हादसा हो गया। घायलों में 1 बालक सहित 3 महिलाएं शामिल हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची थाना पुलिस के जवानों ने सभी घायलों को एम्बुलेंस गाड़ी की मदद से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सेपऊ पर पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 4 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं मासूम बालक और 1 महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हादसे को अंजाम देने वाली बेलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया है। जानकारी के मुताबिक खड़गपुर गांव निवासी रमन पुत्र अतर सिंह गुजर अपनी चचेरी बहन मनोरमा और नीरज को बाइक से बहनों की ससुराल एलव जा रहा था। वहीं दूसरी बाइक पर नौनी गांव निवासी बनवारी पुत्र जनक सिंह गुजर अपनी भाभी रीना पत्नी पप्पू और अपने भतीजे लवकुश को यूपी के गांव चंदीलपुरा से वापस अपने गांव लौट रहा था। इसी दरमियान पीछे की ओर से आ रही एक बेलेरो गाड़ी के चालक ने बेकाबू होकर सड़क पर जा रहे दोनों बाइक सवारों को एक के बाद एक टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों बाइकों पर सवार 6 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घायलों को सड़क पर चीख पुकार मच गई। घायलों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। राहगीर एवं ग्रामीणों के द्वारा घटना की सूचना थाना पुलिस को दी। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से 4 के पैरों में फ्रैक्चर होने के कारण हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें उपचार के लिए CHC से जिला अस्पताल रेफर कर दिया। भारत वाहिनी पार्टी की बैठक गौरव बिदौलिया के नेतृत्व में आज गांधी पार्क बाड़ी में आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जयंत शर्मा, युवा जिला अध्यक्ष धनीराम मीणा, मोनू तिवारी, वाहिनी कार्यकर्ता मोहित शर्मा उपस्थित रहे। मीटिंग में प्रमोद शर्मा ने भारत वाहिनी से जुड़े नए कार्यकर्ताओं का परिचय लिया। कार्यक्रम में बजरंग दल अध्यक्ष शुभम पाठक, शुभम भारद्वाज, शिवकेश मीणा, ब्राह्मण समाज जिला अध्यक्ष शिव कुमार जागरिया, देवेंद्र मीणा, शकील खान, इस्तार खान, दीपक गोस्वामी, ऐदल गुर्जर, मनोज कंसाना, सौरभ बिदौलिया, मोहित मुदगल, गौरव गर्ग, शरद गर्ग सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जिला कलेक्टर नन्नूमल पाड़िया ने आज कलेक्ट्रेट में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव, सहायक कलेक्टर अनिल कुमार सिंगल समेत अन्य अधिकारियों ने गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर ऑनलाइन फीडबैक